हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है तंजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जानिए सब कुछ ए टू जेड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपका पैसा रिफंड हो जाएगा अगर आप लोग किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे वो RXC हो या फिर किसी और भी एप्लीकेशन जो कलर प्रेडिक्शन हो या इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो उसमें आपका अगर पैसा फंसा है। तो आज की वीडियो अगर आपने क्लिक कर दी है तो दोस्तों आप लोग को ज़रूर से ज़रूर रिफंड प्रोसेस मिलेगा और रिफंड का आप लोग का पूरा पैसा आप लोग को 100% मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने पिछले दिनों काफ़ी पहले बनाया था एक वीडियो इसी पे रिलेटेड, RXC प्रेडिक्शन ऐप पे बनाया था और उस पर आप लोगों का प्यार बहुत ही ज़ोरदार दबा के मिला था और उससे मुझे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन मुझे ये जानकर बहुत हैरानी भी हुई दोस्तों कि काफ़ी लोगों ने कमेंट में ये बताया था कि सर मेरा पैसा इतना ज़्यादा मैंने इन्वेस्ट किया था। कुछ लोगों ने बताया कि मैंने 1000 लगाया, कुछ लोगों ने तो लाख का तक भी बता दिया कि लाख रुपये भी लगाएं। तो मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि दोस्तों इतने सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया और उनका पैसा थोड़ा भी रिफंड नहीं आया या बिल्कुल भी नहीं आया। तो इस वजह से मैं दोस्तों इस बारे में मैं रिसर्च करने बैठ गया और खंगाल के मैंने एक वीडियो आप लोगों के सामने यहां पे लाया हूं और ये बिल्कुल आप लोग अगर पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो कर लोगे दोस्तों, मैं पूरा गारंटी दे रहा हूं आप लोगों का पैसा बिल्कुल रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को अगर पैसा आप लोगों को वापस लाना है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एंड टू एंड देखिएगा और आप लोगों का पैसा बिल्कुल मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, RXC के बारे में मैं बता दूं कि RXC ऐसा कलर प्रिडिक्शन एप्लीकेशन है जिसमें लोगों को ये बोला जाता है कि आप कलर और नंबर को एक साथ कुछ ऐसा उसमें सॉल्यूशन बनाइए या फिर कुछ ऐसा उसमें अरेंज करिए ताकि आप लोगों को वो कम्बिनेशन फिट बैठे और आप लोगों को पैसा मिल जाए। जो कि शुरुआत में पैसे तो देता था लेकिन उसके बाद जो है कुछ कम्बिनेशन फॉल होने लगी, फेल होने लगी और उसकी वजह से आप लोगों का पैसा जाने लगा। तो ये दोस्तों बिल्कुल से बाद में बिल्कुल एक स्कैम बन गया और उससे रिलेटेड मैंने पूरी की पूरी डिटेल वीडियो एक ऊपर बना रखी है, आप ऊपर आई कार्ड में देख सकते हैं, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखता था जब भी जो भी लोग इसको यूज किए हुए हैं और इसमें पूरा आप लोगों को कलर प्रेडिक्शन करके इसमें बताना रहता था जो कि बिल्कुल फ्रॉड था। तो दोस्तों, ये तो था एक बैकग्राउंड कि किस तरीके से ये काम करता था RXC एप्लीकेशन। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से ये जो है एक स्कैम था, वो भी मैंने पूरी और बिल्कुल आप लोगों को रिव्यू करके दिखाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे मैंने दिखाया था कि ये देखिए नेगेटिव चीज़ें थी इसकी, ये पूरी चीज़ें मैंने बताया था कि ये बिल्कुल एक स्कैम है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं कि किस तरीके से अगर ये पूरा स्कैम था तो मेरा पैसा लॉस हो गया, मैं कैसे रिफंड करूँ इसको। तो दोस्तों, मैं सिर्फ दो प्रोसेस आप लोगों को बताऊँगा, वो दो प्रोसेस आप लोग कॉपी में नोट कर ली, आप कहीं ना कहीं माइंड में आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो। मैं पहला पॉइंट शुरू करता हूँ और सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, आप लोगों को यहाँ साइबर क्राइम पोर्टल पर जाना है। और ये साइबर क्राइम पोर्टल ये चीज़ है, मैं बता दूँ इसका क्यों यूज़ है और ये क्यों इतना इफेक्टिव है, क्योंकि सबसे पहली बात दोस्तों, एक ये गवर्नमेंट साइट है और ये गवर्नमेंट साइट आप लोगों को बोलती है कि आप लोग इस पर जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो या ऑफलाइन फ्रॉड हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पर बिल्कुल जाके कंप्लेन कर सकते हैं और इस पर बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होती है। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पास्ट में ऐसे काफ़ी सारे हमारे पास सिनेरियोज आए थे और उस सिनेरियो से हम लोगों ने इस पर काम किया और इस पर हम लोगों को पूरा अच्छे से जो है कंक्लूजन मिला भी। तो दोस्तों, इस पर आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पे जैसे ही ये लिंक होगा, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इसको आप खोलेंगे तो ये पहला आप लोगों को कुछ इस तरीके का पेज दिख जाएगा और आप यहाँ नीचे आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल अ कंप्लेंट। आप यहाँ से डायरेक्टली फाइल अ कंप्लेंट भी कर सकते हैं और नहीं तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर देखिए एक चैट बॉक्स बना हुआ है। और पहली बात दोस्तों, मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये आप लोग सिर्फ लैपटॉप ही नहीं, आप अपने मोबाइल पे भी इजीली खोल सकते हो। अगर आप ये लिंक जो मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में इसको खोलोगे तो ये मोबाइल में भी कुछ इसी तरीके का सिंबल खुलेगा, तो कोई परेशानी नहीं है। और इसमें इस तरीके का एक चैट बॉक्स भी आएगा। तो पहली चीज़, आप लोग ये लाल वाले बटन पर फाइल या कंप्लेंट भी कर सकते हो और दूसरी चीज़, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली आप लोग इस चैट बॉक्स को जो ये बोर्ड बना है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ये पूछ रहा है कि हमें जो है बताइए आप क्या चाहते हैं, तो हम एक रिपोर्ट कंप्लेंट करना चाहते हैं। तो आप रिपोर्ट करेंगे और यहाँ पर आप ये पूछेगा किस तरीके का कंप्लेंट आप करना चाहते हैं, तो हम अदर साइबर क्राइम पर करेंगे और अदर साइबर क्राइम के पास आप ये पूछेगा किस पे आप लोग का जो है
चाहते हैं सेक्शन, तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे लॉस ऑफ मनी पे। लॉस ऑफ मनी पे क्लिक करने के बाद ये पूछता है किस तरीके का लॉस ऑफ मनी आप लोग का हुआ है। तो हमारा जो है ई कॉमर्स के थ्रू हुआ है, जैसे अगर आप लोग एप्लीकेशन या वेबसाइट पर कर रहे हैं तो ई कॉमर्स पर ही करते हैं। ई कॉमर्स पर करने के बाद ये बोलता है कि आप लोगों को साइबर क्राइम वाले वेबसाइट पर जाना है, जो कि यही साइट है, और इस पर जाके आप लोगों को ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड पर क्लिक करके आई एक्सेप्ट करके फाइल अ कंप्लेंट कर देना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आप लोगों को अगर ये भी नहीं करना है तो आप लोग 9 से 6 बजे के बीच में कभी भी इस नंबर पर आप डायल कर सकते हैं और इनको पूरी चीज़ बता सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों आप लोग डायल भी करिए और यहाँ से आप लोग जाके फाइल है कंप्लेन भी कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो था, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इसके साथ करने के साथ आप लोगों को साइबर दोस्त, आप यहाँ देख रहे हैं एक साइबर दोस्त है जो कि इन्हीं का सेल है, ये ट्विटर पर है, ये ट्विटर पर आप जाके इसको यहाँ देख सकते हैं, मेरे पेज पर ट्विटर आ गया है और ये साइबर दोस्त करके यूज़र नेम है। इस पर जाके आप लोगों को ट्विटर पर इनको टैग करके अपनी पूरी व्यथा और पूरी चीज़ यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप लोग जब साइबर दोस्त को टैग करोगे ट्विटर पे तो ये उनके पास जाएगा और वो पूरी चीज़ देखेंगे आपका डिटेल, और वो आपसे संपर्क करके उस चीज़ को सॉल्व करने की पूरी मदद करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पहली आप लोगों को करनी है, पहले आप लोग को यहाँ पे जाकर फाइल कंप्लेंट कर लेना है और दूसरी चीज़ आप लोग को यहाँ पे टैग कर देना है ट्विटर पे, ठीक है। तो दोस्तों जिसके पास ट्विटर है वो लोग तुरंत आप लोग टैग कर लीजिए, नहीं है तो आप लोग एक सिंपल कोई भी डेमो बना के अपना यूजर नेम इस पर टैग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों एक पहला प्रोसेस कि किस तरीके से आप लोग इस पर रिफंड कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने से किसी ने जैसे किया है, अगर डीमैट डेबिट कार्ड से हो गया या क्रेडिट कार्ड से हो गया है, तो आप कोई भी बैंक हो या फिर आपका जैसे ICICI बैंक हो, SBI हो, HDFC हो, कोई भी बैंक हो, उससे आप लोग भी रिफंड करा सकते हो। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ICICI बैंक की तरह का रिफंड प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, एक मैंने यहाँ पे पोर्टल खोला हुआ है, ये ICICI का सबमिट अ कंप्लेंट पोर्टल है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप लोग ऐसा खोलेंगे तो सिंपल बिल्कुल ऐसा ही पेज आप लोगों के सामने खुल के आएगा, ये मोबाइल में भी इसी तरीके का कुछ दिखेगा। तो इसमें आप लोगों को देखिए कंप्लेंट्स में आप लोगों को क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देख सकते हैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये लेवल 1 में क्या करना है आप लोगों को, सिंपली एक यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ईमेल खुल जाएगा और ईमेल में आप लोगों को सिर्फ टाइप कर देना है अपनी पूरी चीज़, ठीक है। इसमें ये टाइप कर देना है आप लोगों को कि क्या परेशानी थी, कब हुआ था इंसिडेंट, कब आप लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई थी, कितना पैसा गया, और वो चीज़ें आप लोग को लिख देना, ठीक है। आप लोगों को कोई भी पर्सनल चीज़ नहीं लिखनी है, पहले आप लोगों को सिर्फ ये बता देना है क्या हुआ था और टाइम और ट्रांजेक्शन लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनकी तरफ से एक मेल आएगा कि आप लोग, वो पहले ये बोलेंगे कि साइबर क्राइम पे आप लोग उस पर अप्लाई कर दीजिए, तो आप लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, और उसके बाद वो लोग बोलेंगे कि हम जो है एक आप लोग के साथ जो है रिक्वेस्ट रेस करेंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों वो रिक्वेस्ट रेस कर देते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो अगर वो नहीं रेस करते हैं, मना करते हैं, तो आप लोग लेवल 2 पर जाएंगे और एस्केलेट करेंगे, और एस्केलेट करने का मतलब आप लोग को जो है सिंपल यहाँ पर जो है सबमिट अ क्वेरी, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक मेल जाएगा वो डायरेक्ट इनका, देखिए आपने नाम देख सकते हैं यहाँ पे मिस्टर शुभेंदु त्रिपाठी, इनको सीधा का सीधा चला जाएगा और आप उसमें डायरेक्ट लिखेंगे। तो दोस्तों ये लेवल 2 पे क्या है कि डायरेक्टली ये लोग ज़्यादा रिस्पांस देते हैं, तो उससे आप लोगों का क्या होगा कि आप लोग को डायरेक्टली आप लोग को फीडबैक मिल जाएगा। अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो आप लोग लेवल 3 पे जाके आप लोग सिंपल मेल करेंगे और ये सिंपल ये नोडल ऑफिसर को जाता है, ठीक है। तो इस पर कार्रवाई बहुत तेज़ होती है। तो दोस्तों पूरी की पूरी प्रोसेस ये चीज़ है और इससे मैं बता रहा हूँ दोस्तों बिल्कुल गारंटी है, आपको बैंक आपके साथ बिल्कुल खड़ा रहेगा। आप लोग को बस ये करना है कि आप लोगों को बिल्कुल इसमें लगे रहना है, ठीक है। तो थोड़ा धैर्य और सब्र से काम लेना है और आपका पैसा बिल्कुल रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये था दोनों प्रोसेस किस तरीके से काम होता है, और उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को ये चीज़ सही लगी है तो दोस्तों इसको तुरंत जाओ, इसको फॉलो करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि कहाँ तक क्या स्टेटस है, और कहीं और भी आप लोगों का पैसा फंसा है वो भी मुझे कमेंट करके बताओ दोस्तों। तो ये था पूरा प्रोसेस दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो तुरंत लाइक मारिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ जागरूकता हो जाए। और दोस्तों जो लोग पहली बार मेरी वीडियो पे आ रहे हो, तुरंत लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाओ और बगल में घंटी है उसको भी दबा दो, ताकि अगली वीडियोज़ में इसी तरीके की लाता रहता हूँ। आप ये वीडियोज़, ये चैनल मेरा जो है ऑनलाइन अर्निंग और इस तरीके की वीडियोज़ लाता हूँ जिससे आप लोगों को जागरूकता हो, उससे रिलेटेड होती है, तो आप लोग तुरंत इस पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है।